तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्का क्लासेस में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशी अपडेट निकल कर आ रही है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, 82,000 युवाओं को अगस्त से मिलेगी बेरोजगारी भत्ता। तो दोस्तों, ये योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। इससे 82,000 बेरोजगारों को अगस्त से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो अगस्त से शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत करीब 82,000 बेरोजगारों को अगस्त से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसमें कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया है कि अक्षत योजना के तहत करीब 40,000 अभ्यर्थियों को 18 दिसंबर से जुलाई 2019 तक 83.32 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जहां पूर्व सरकार के समय 5 साल में 40,000 बेरोजगारों को 122 करोड़ रुपए तत्कालीन योजना अंतर्गत वितरण किए गए, कहने का मतलब यह है कि पिछली बार कुछ ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, इस बार 82,000 बेरोजगारों को लाभ देने में शामिल किया गया है। वर्ष दिसंबर तक 230 करोड़ रुपये का वितरण ये सरकार कर देगी युवाओं के लिए ओनली फॉर। तो दोस्तों, 1,60,000 बेरोजगारों को दिया जाएगा भत्ता। चांदना ने बताया है कि पिछली सरकार के समय पंजीकरण बेरोजगारों की संख्या करीब 7 लाख थी। पिछली सरकार थी तब 7 लाख की संख्या थी बेरोजगारों की, अब 1,60,000 हो चुकी है, जो कि इस योजना में 1,60,000 को शामिल किया जाएगा, जिसमें 40,000 को ही पिछली बार 5 सालों में 40,000 को ही दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने एक बार में 1,60,000 बेरोजगारों को इस योजना का लाभ उठाना है शामिल किया जाएगा। इसको योजना का लाभ मिलने के बाद अन्य पात्रों की भी बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आश्चर्य किया है कि एक भी पात्र अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं होना चाहिए। और विधायक कन्हैयालाल के इसमें बताया है कि जो महिलाओं के लिए 3500 रुपयों की व्यवस्था की, और इसमें बताते हुए बताया है कि 1 फरवरी 2019 से महिला तथा विशेष योगजन स्नातक के पंजीकरण, मतलब इसमें कॉलेज स्नातक होनी जरूरी है, बीए किया हुआ होना जरूरी है। जिस महिलाओं के लिए 3500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, पुरुषों के लिए 3000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस योजना पर ही मिलेगा भत्ता। उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग के अभ्यर्थियों को पंजीकरण की तिथि से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के पात्रता के शर्तों के अनुसार स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वह राजस्थान का जो भत्ता लेने वाला अभ्यर्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी पारिवारिक आय है जो उसके परिवार की आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अधिकतम आयु सामान्य वर्ग में 30 वर्ष होनी चाहिए, और अन्य जाति व जनजाति विशेष योगजन जो महिलाएं हैं उनके लिए 35 वर्ष बता दी गई है। दोस्तों, ऐसा आवेदन वांछित समस्त प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र ई मित्र पर आईडी बनाई होनी जरूरी है, उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है, तभी इस योजना के फायदे आप ले सकते हैं। इस तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।